चलिए बात करते हैं खबरों की। राजधानी लखनऊ में मऊ क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि संदेह के आधार पर पकड़े गए आरोपी अजय ने बताया कि तीनों दोस्तों ने मिलकर स्मैक का नशा किया था। नशा करने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विशाल ने अनुराग को धक्का दे दिया और इसके बाद हेलमेट से कई बार ये और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर शव को बाहर निकाला, ठिकाने लगाकर फरार हो गए। हाथापाई हुई, हाथापाई के दौरान आवेश में आकर के उसको हेलमेट से सर के ऊपर मारा। पीएम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। और जब ये घटना हो गई उसके बाद इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच के कि इस पूरे प्रकरण को एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया और बॉडी को जो साक्ष मिटाने के लिए बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग ले गए। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी और जो एफआईआर लिखी गई थी उसके उसके आधार पर जो तफ्तीश हुई उससे इस घटना का नाम रहा।